दिलकश दिलनशी सुबह रोशन है बेहतरीन बरखा के साथ रंग कहकशाओं का हुस्न नया जमाना नई सुबह शाम नया अंदाज नई तरह क्योंकि खूबसूरत है जिंदगी के रंग आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा आपको जिंदगी के रंग में बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी के रंगों को एंजॉय कर रहे होंगे। जिंदगी के रंग हम लोग किस तरह एंजॉय कर सकते हैं या फिर कब उनको पिक कर सकते हैं हर एक के डिफरेंट रंग और शेड्स को, जब हमारी अपनी सेहत जो होती है ना वो बेस्ट फॉर्म में होती है। और आजकल क्योंकि एक्सट्रीम ठंड चल रही है लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और इस ठंड में भी अभी मेरा तो ख्याल है कि वो वाली शिद्दत आनी है, लेकिन हम लोगों के लिए वो वार्म बेवरेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, वो वार्म चीजें खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ थ्रू आउट द ईयर भी देखें, खास सीजन की बात नहीं कर रहे हम लोग, बहुत ज़्यादा अगर हम देखते हैं ना सेहत लोगों की बड़ी ज़्यादा डिक्लाइन, बड़ी जल्दी छोटी उम्रों में डिक्लाइन पे आने लग गई है या फिर वेट के बहुत एबनॉर्मल इश्यूज होने लग गए हैं जो हमारी डाइट्स चल रही हैं या जो हमारी डाइट हैबिट्स हैं या पैटर्न्स हैं, दिन के किसी गलत टाइम पे खा रहे हैं, मिडनाइट मंचिंग हो रही है। सो उसके अंदर क्या होता है, फिर जब हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं जी अब हमने डाइटिंग करनी है, तो डाइटिंग के ऊपर क्रैश डाइटिंग में आते हैं या कोई एक फिक्स चीज़ किसी से सुन के अपना पैटर्न बना लेते हैं। जिस तरह जी अगर हम कहते हैं हम कार्ब्स और फैट्स को छोड़ के हाई प्रोटीन्स पे चले जाते हैं, तो सिर्फ प्रोटीन्स ही खाई चले जा रहे हैं, उसके साथ फिर अपनी हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखते, अपनी किडनीज के लिए नहीं सोचते, फिर वहां से गाउट या डिफरेंट चीजें आ रही होती हैं। या फिर अगर हम लोग बिल्कुल ही जो कुछ खा रहे हैं उसके बाद कावे पी रहे हैं, ठीक है दे आर गुड, लेकिन ये कि उस नौबत तक पहुंचा ही ना जाए, वहां तक हम जाए ना, अपनी डाइट को शुरू से जो है प्रॉपर मेंटेन किया जाए। और डाइटिंग का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दें, उसका मतलब होता है कि आप हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर दें, यानी खाएं। डाइटिंग का मतलब क्या है कि आप खाएं और वो भी हेल्दी डाइट खाएं। सो हमेशा अपने नाम के अंदर जो है ना अपनी डाइट के अंदर हेल्दी का नाम रखें। और उसके बाद जब हम लोग रंगों की बात करते हैं, एक और यहां पर मैं बात करती हूं कि अभी पीछे मेरी किसी से बात हो रही थी कि हम लोग पहले तो सारा कुछ खा रहे होते हैं, जंक भी खा रहे हैं, स्नैक्स भी खा रहे हैं, कुछ नहीं छोड़े, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के पास या फिर जनरल ये क्या कहा जाता है ना कि जब कोई बंदा ज्यादा फेमस हो जाता है या जिसके पास ज्यादा पैसा आने लग जाता है, तो वो ये चीजें छोड़ के बजाय इसके कि सादी सादी चीजों पे आ जाता है, प्लेन चीजें खा रहे हैं, यानी जो पहले खाने पीने में आपकी रौनक होती है वो बाद में आके बिल्कुल श्रिंक हो जाती है, उसमें खाने पीने खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, यानी ये कि तब आपको जाके वो अक्ल वो शऊर आता है कि डाइट मीन्स हेल्दी डाइट। सो वो हेल्थ जब बीच में आ जाती है ना दूसरे देखने वालों को, जिनको सब चीजें वफर अमाउंट में अवेलेबल है, वो तो कहते हैं कि जी इसने तो खाना पीना ही छोड़ दिया, इतना पैसा आने का फायदा कि खाना पीना ही खत्म हो गया, जबकि वो सही चीजें तब आते हैं अपनी सेहत का जब थोड़ा थोड़ा लॉस होना शुरू होता है, जब थोड़ी थोड़ी बीमारियां इश्यूज प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट होते हैं ना, फिर कदर आती है। तो इसी के साथ हम लोग जहां रंगों की अभी मैंने बात की थी कि हम बात कर रहे हैं, हमारी नेचर में इतने रंग हैं कि अगर हम लोगों को कभी हम लोग कह रहे होते हैं कि जी खाली आज एक हम हाई प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स या उनकी बात कर ले, तो कभी हम रंग ले लेते हैं जी आज लाल रंग की डाइट लेंगे हम, आज पीले रंग की लेंगे, आज सब्ज यानी ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन चीजें खाएंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक, जो हमारा थीम है, दैट इज रेनबो डाइट। लाइक रेनबो, आप लोग सोचोगे कि एक एक रंग को उठाने की जगह जो हमारी नेचर ने हमें इतने सारे रंग दिए हैं हमारे खाने पीने में, चाहे वो फ्रूट्स में है, चाहे वेजिटेबल्स में है, चाहे रॉ में है, चाहे कुक्ड में है, So, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और हम जो एक अपनी डिश खा, हम प्लेट जो खा रहे हैं, जो हमारा पोर्शन है, उसके अंदर रेनबो कलर्स, नेचर के रेनबो कलर्स हम शामिल करें, और यानी हर रंग मौजूद हो आपकी, उसके अंदर तमाम न्यूट्रिशंस भी मौजूद होगी, तमाम वैल्यूज भी मौजूद होंगी, कैलोरीज भी मौजूद होंगी, और आपकी हेल्थ भी परफेक्ट जाएगी, और वो जो रेनबो की तरह के रंग है वो आपके चेहरे पर आएंगे, कहीं से पिंक चीक्स होंगे, कहीं से इस तरह के फ्रेशनेस आपके चेहरे पर आ रही होगी। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे बहुत टैलेंटेड, बहुत अमेजिंग हर्बलिस्ट मौजूद हैं, सैयद फैसल साहब, उनको वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। वेलकम टू जिंदगी के रंग। और आज तो आप हमारी डाइट के अंदर भी रंग लेकर आए हैं, किसी एक स्पेसिफिक को नहीं, तमाम रंग चुनेंगे हम। बिल्कुल, इंशाल्लाह सारे रंगों की अफादियत भी बताएंगे, बिल्कुल, और उसका इस्तेमाल भी, है ना। मतलब हम लोग ये इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स अ न्यू थिंग कि हम लोग रंगों के अंदर से भी वो चीजें निकाल रहे हैं जैसे हम बचपन में पहले कभी पढ़ते थे कि अगर जी प्लांट्स हैं तो उसके अंदर ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल की वजह से है, ये चीजें इसकी वजह से है। अब हम जो हम अपनी हेल्दी डाइट ले रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से कलर्स हैं, वो कलर्स हमें क्या बेनिफिट देते हैं, उसके अंदर क्या चीजें मौजूद होती हैं, ये आज सारी नई नई बातें हम लोग पता करेंगे डॉक्टर साहब से। और इसी के साथ हमारे पास हमारे न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और हेल्थ जो ट्रेनर हैं, बड़ी जबरदस्त बात यह है कि खुद तो उन्होंने मेंटेन किया है, उनके पास जितने लोग आते हैं उनको
खाली एक्सरसाइज के साथ ही और ट्रेनिंग के साथ ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशन के साथ साथ भी वो लोग गाइड कर रहे होते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप और वेलकम टू जिंदगी के रंग। थैंक यू सो मच। अच्छा है क्योंकि रेनबो डाइट का फिटनेस के साथ कितना ताल्लुक है, कौन कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल अपनी डाइट में लानी चाहिए, कौन कौन सी डिजीज़ से आप दूर रह सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि हेल्थ तो आएगी और ये कि जो डिजीज़ कुछ इनएविटेबल भी होती है कि विद एज आपके पास आनी ही है, कुछ एजेस एज के रिलेटेड होती हैं, लेकिन ये कि हाँ ठीक है आप अगर उनको अवॉइड नहीं कर सकते तो आप उनको उनका आना जो है थोड़ा दूर कर सकते हैं कि वो थोड़ी देर बाद आएंगे, यानी आप मजीद क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी जो लाइफ स्पैन है उसको जितना भी है उसको अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। और इससे पहले हम लोग अपनी हेल्दी डाइट के ऊपर अपनी रेनबो डाइट के ऊपर आए, हमारे पास कराची से कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। मिसेस शाहिद बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। फिट लग रही हैं आप भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद, कैसी हैं आप और आपको शो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आज तो मैंने रेनबो ये डाइट और इसके हवाले से मैं भी पूछना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा आपने रखा कि मैं भी शुगर पेशेंट हूँ और मैंने भी डाइट का भी करती हूँ, मैं एक्सरसाइज सारी जिंदगी मैंने की है, तो अब जरा छोड़ दी कॉलर का जरा मसला है मेरा तो, मगर ये ना कि फिट तो हर उम्र में रहना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं शुगर के हवाले से भी पूछना चाहूंगी कि मैं अपने डाइट में क्या लूं, तो प्लीज मुझे इसके बारे में जरूर सॉरी आपके गेस्ट टाइमिंग डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक है वो। थैंक यू सो मच मिसेस शाहिद फॉर कॉलिंग। और हमारा शो हमेशा से हमारे नाज़रीन और आप लोगों के लिए होता है, आप हमारे अपने हैं, आप ही के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हमने टॉपिक रखा है। एक ये चीज है कि नॉर्मल जब आप शुरू होते हैं किसी की भी लाइफ में, कौन सी ऐसी हेल्दी डाइट, रेनबो डाइट किस तरह, क्या क्या चीजें उसमें शामिल रखनी चाहिए, अगर आपको नहीं पसंद तो किस फॉर्म में लेनी चाहिए ये भी बात करें, क्योंकि हर बंदा हर चीज नहीं खा रहा होता। और उसके साथ साथ कोई बीमारी को अवॉइड करने के लिए कौन सा होना चाहिए, और जैसा उन्होंने कहा कि डायबिटिक, एंड वंस यू हैव दोज इश्यूज, कोई हाइपरटेंसिव है, कोई डायबिटिक है, कोई चीजें नहीं खा सकते, तो उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, सब पे बातें करेंगे। और आप लोग भी अपने सवाल आज पूछ सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे गेस्ट से भी बातें पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे दोनों से न्यूट्रिशन भी पूछूंगी और साथ साथ जैसा उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी उन्होंने एक्सरसाइज की, अब उनको कॉलर का इशू हो गया तो वो हम उसके लिहाज से एक्सरसाइजेस भी पूछेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब से बताइए रेनबो डाइट। रेनबो डाइट एज सच हमारे जितने भी अल्लाह ताला ने कलर्स बनाए उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफादियत जरूर है, बेशक पहनने में देखने में आप देखें कि कुछ कलर्स ऐसे हैं जिससे हमारे मूड एनहेंस हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसे हैं जिससे ग्लूमी हो जाते हैं, जैसे ब्लैक को हमने फोकस कर दिया या उसको हमने टारगेटेड कर दिया कि खुदा न खास्ता किसी गम में परेशानी में, बिल्कुल वाइट को हमने कर दिया पीस के लिए या फिर अमन या कोई ऐसी चीज़, येलो को हमने किसी हद तक कर दिया नफरत के लिए कि येलो जोन्स है वो नफरत के, तो रेड जोन्स है वो लव के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के निशानी। इस तरह से जो ये कलर्स इस हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से खाने में भी बड़े इम्पोर्टेंट है। बेसिकली छह कलर्स हैं जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें रेड है, ब्लू पर्पल है, ऑरेंज है, येलो है, वाइट्स हैं, और साथ उसके आ जाता है एक ग्रीन एक्जेक्टली ग्रीन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्रीन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम लोग हमारे वेजिटेबल्स में ग्रीन। अच्छा अब ये जो उनसे अब इसमें फिर वैरायटी आ जाती है, टिंट्स आ जाते हैं। अब वाइट में जो उनसे हमारे पास आते हैं, अब उसमें हम शलजम को भी वाइट में लेते हैं, केले को भी वाइट में लेते हैं, साथ प्याज को भी वाइट में लेते हैं। अच्छा प्याज तो, क्योंकि कभी कभी ग्रीन भी हो जाता है, कभी कभी पर्पल भी हो जाता है, हल्का सा पर्पलिश भी होता है, लेकिन वो आता बहरहाल वो वाइट में। अच्छा, जो हमारी मेन बेसिक हम कैटेगराइज करते हैं उसको वाइट में करते हैं। इसी तरह से पर्पल्स में हमारे पास बैंगन आ जाते हैं, वो कैबेज आ जाती है जो पर्पल कैबेज आती है, फ्रूट्स में अगर देखें तो हमारे पास बेरीज आ जाती है, अंगूर आ जाते हैं जो उनसे काले पर्पल से अंगूर होते हैं, रेड ग्रेप्स हम कहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली तो इसी तरह से रेड में तो बहुत सारी वैरायटी है। ये पर्पल का और खास तौर से वाइट का इसलिए जिक्र किया कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है कि ब्लू कौन सा फल है, ब्लू बेरीज आ जाता है। तो इस तरह से ये जो उनसे कलर्स हैं, ये हर कलर की अपनी अफादियत है, बिल्कुल, और जो कलर है ये किसी ना किसी केमिकल की वजह से इसका ये कलर है। ठीक है, मतलब जैसे रेड है दैट इज लाइक ओपिन, इसी तरह से वाइट का अपना एक इंग्रेडिएंट है, ब्लू पर्पल या ऑरेंज
येलो जोन्स हैं, उसमें कैरेटिनॉइड्स हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से हर कलर जोन्स है वो स्पेसिफिकली किसी न किसी एंटीऑक्सीडेंट को मेंशन कर रहा है या उससे रिलेट कर रहा है। बिल्कुल। तो हर कलर जो उनसे है वो आपके लिए इतना ही जरूरी है जितना आपके लिए ओवरऑल डाइट जरूरी होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे कि डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं कि हर रंग के अंदर कोई ना कोई केमिकल ऐसा है जो कि उसका कलर ये बना रहा है, और वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर उसकी जरूरत है। अल्लाह मियां ने इसीलिए वो चीजें तख्लीक किया। इंसान अगर अशरफुल मखलूकात बनाए, उसके लिए दुनिया बनाई, तो उसकी जरूरत की चीजें उसके इर्द गिर्द फैलाई है ताकि हम उस नेचर में से वो पिक करें। बिल्कुल। और आपको पता है कि इसके पिगमेंट, कलर पिगमेंट इतने स्ट्रांग होते हैं कि अब इससे जो उनसे नेचुरल कॉस्मेटिक्स भी बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। आजकल जो ऑर्गेनिक पे दुनिया जा रही है ना, और ये जो उनसे इसके एक्सट्रैक्ट्स लिए जाते हैं, और इनसे अब आप डाइंग भी कर सकते हैं। पहले भी क्या करते थे, जैसे कुछ फूल होते हैं जिनसे आप दुपट्टे वगैरह डाई किया करती थी खवातीन, इसी तरह से अब जो उनसे प्रॉपरली इनको एक्सट्रैक्ट करके और खाने पीने के फूड कलर्स बनाए जा रहे हैं जो कि इन्हीं चीजों से बन रहे हैं। बड़ी जबरदस्त बात है इसकी। मैं आपसे एग्जांपल भी लेती हूँ और उसके साथ एक छोटी सी एग्जांपल भी दूंगी। यहाँ पर हमारे पास नादिया बात कर रही है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नादिया। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। मैं डॉक्टर साहब से ये जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नादिया आप, और आपको शो कैसा लग रहा है? जी आपका शो बहुत अच्छा, और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और थैंक यू जी, बहुत प्यारा लग रहा है आप। थैंक यू सो मच जी, लग रही है। थैंक यू, सेट भी बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया। आप बात करना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? जी मैं डॉक्टर साहब से ये बात करना चाह रही हूँ। जी कीजिए जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे ना पेट में काफी अरसा पहले ये सॉलिड थी, तो उसके बाद ये हुआ कि मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद ये है कि मेरा पेट जो है ना, मतलब बाकी जिस्म बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि पेट मेरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और प्लीज इसके लिए मुझे कुछ बता दें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो नादिया वर्कआउट करती हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज जहाँ से आपका ये बेली फैट जो होती है ना, हमेशा से जब आप अगर कोई सन से सर्जरी करवाते हैं तो हार्मोन्स का इंबैलेंस होता है, जिसकी वजह से वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, और इन स्पेसिफिक किसी जगह पर हो सबसे ईजी सबसे पहले जो है वो पेट के ऊपर आता है। और उसके लिए रेनबो डाइट पे तो मैं आती हूँ क्योंकि अभी एक हमारी कॉलर थी, तो कोई ऐसा खास वर्कअप होता है, कोई ऐसी एक्सरसाइज जो पेट के लिए इन स्पेसिफिक हो, उसके बाद फिर मैं आपके पास वापस रेनबो डाइट के हवाले से आती हूँ। ओके पहली बात तो ये कि जो रेनबो डाइट है उसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूंगा इजी वर्ड में, जो ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको समझ में आए, वो समझ में आ सके। क्योंकि मेरी नजर में दो टाइप की मेजोरिटीज है, एक वो जो समझना चाहती हैं लेकिन उनके पास सेंस नहीं, नॉलेज नहीं, एक और दूसरे वो जिनके पास टाइम नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने, टाइम नहीं होता। हम लोग लंबे लंबे आवर्स काम कर रहे हैं, हम कहते हैं बीच में कुछ भी मंगवा लो, बस पेट भर जाए, काम करते रहे तो हम ऑन द गो रहे। ऐसा है। जो रेनबो डाइट में जो मेजर कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, वाइट, पर्पल, इंडिगो, अब इनके बेनिफिट में थोड़े से बता दूं जी, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको ट्रेनिंग बताता हूँ। रेड बेसिकली आपके बॉडी में या हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको रिकवर करता है। अच्छा। पर्पल, इंडिगो और ब्लूबेरी स्पेशली आपके लीवर और किडनी में स्वेलिंग, उनके लिए बेनिफिट है। जबरदस्त, यानी इन्फ्लेमेशन को सेटल करती है। एग्जैक्टली। और उसके बाद जो व्हाइट है आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। क्या बात है। और जो उनमें अगर ब्लड में बैक्टीरिया या वायरस आ जाए उनको प्योरीफाई करते हैं। मतलब हमने भी वैसे भी सिंबल्स की बात की थी ना, व्हाइट कलर में प्योरिटी और पीस और लाइक उसकी बात करते हैं, व्हाइट के आते साथ ही होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी यही काम कर रहा है। ये खाली कलर्स की बात हो रही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ साथ हम करेंगे और बाकी हमारे रेनबो कलर्स। और जो ऑरेंज है स्पेशली मैंने देखा है कि लोग इसको स्किप करते हैं। जो 30 की मेजोरिटी है उनमें ये देखा गया कि प्री मेच्योर व्हाइट हेयर जी, स्पेशली उनमें व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं नेक पे, उनमें ये है कि जो व्हाइट ऑरेंज है ये है स्पेशली इम्यून सिस्टम के लिए। यस, ये तो हमने उस दिन पूरा इस पे शो भी किया था, और इम्यून सिस्टम पे हमने इसलिए, इम्यून सिस्टम कनेक्टेड विद योर हार्मोन्स। यस बिल्कुल। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसकी वजह से प्री मेच्योर हेयर होते हैं या आपकी स्किन में स्पॉट्स आ जाते हैं तो इसको स्किप नहीं करना चाहिए। ओके। और जो ग्रीन है और आपके बेस्ट एंजाइमर्स हैं। यस सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
अब आते हैं हम ट्रेनिंग की तरफ। ट्रेनिंग की तरफ अब उनमें ये है कि क्या किसी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आई है कॉलर में या किसी ट्रेनिंग की वजह, क्योंकि मोस्टली जो औरतें हैं ना ये फीमेल्स हैं घर में जो हाउसवाइफ्स हैं, जब वो ट्रेनिंग करती हैं उन्हें नहीं नॉलेज, बिल्कुल उनको ये नहीं पता कि अगर कोई एक्सरसाइज, इवन अगर कोई मशीन भी है तो हाउ टू यूज इट परफेक्टली, कौन से मसल्स को, क्या उनपे कोई झटका आया है, ये मसल पे झटका आया तो नहीं है, पहले तो उसको देखिए, और अगर नहीं तो इसको मसल को थोड़ा सा आयल थेरेपी करके अच्छा, फिर उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, ठीक है, उससे आई थिंक काफी बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी एक्सरसाइज नहीं करें, ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले ऑयल थेरेपी थोड़ी सी करके जस्ट टू वार्म इट अप, यस, ताकि मसल थोड़ा रिदम में आ जाए, अगर टिश्यू ब्रेक्स हैं तो वो रिकवर होते रहे, ओके, और तो ये कितना लंबा प्रोसीजर, कितना टाइम इसको देना चाहिए स्पेसिफिक? वन वीक ओके, अगर तो टिश्यू डैमेज है तो वो रिपेयर होते जाएंगे, लेकिन थेरेपी विद थंब आप करते रहे, आफ्टर वन वीक वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। ओह यस, दैट इज अ गुड थिंग, यानी ये नहीं कि अंधाधुंध किसी भी एक्सरसाइजेस के ऊपर लग जाए, और उसके बाद ये भी होता है एक दिन का जोश आता है, एक दिन में दो घंटे काम कर लिया, उसके बाद जो खलियां पड़ती हैं, जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसके बाद दोबारा कभी हिम्मत नहीं होती है, सो थोड़ा थोड़ा करके अपनी बॉडी को भी उसके लिए टोन अप करना पड़ता है, और फिर हम लोग आगे जाते हैं। तानिया बात करिए हमारे पास रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम तानिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं और आपको शो कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, पुराने मजबूर हो जाते हैं आपको फोन करने पे, कॉल करने पे, नाइस ऑफ यू, पैनल बहुत अच्छा, और डॉक्टर्स को इनको देख के तो इनकी स्मार्टनेस और फिटनेस को देख के, खूबसूरती को देख के तो दिल करता है वाकई इनकी टिप्स जो है वो फॉलो की जाए। क्या बात है, ये तो आपके हुस्न नजर है कि आपको इतने स्मार्ट और इतने खूबसूरत, इतना अच्छा लग रहा है ना कि दिल ही नहीं करता कि टीवी से हटे इंसान, बहुत अच्छा प्रोग्राम, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सानिया। कोई बात गैसे करना चाहेंगी या आप कुछ ऐड करना चाहेंगी, कोई मछुआरा को रेनबो डाइट में अपनी तरफ से मतलब बताना चाहेंगे? बस रेनबो डाइट का ये बहुत अच्छा आपने आज किया है, लेकिन ये कि इसको थोड़ा सा जो है ना अच्छी तरह एक्सप्लेन करके ना, बस चीजें समझ नहीं आती खाने का पीने का, और कलर का आपने आज बड़ा अच्छा रखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको भी जरा अच्छी तरीके से ना एक्सप्लेन कलर्स के बारे में कीजिए। बिल्कुल तानिया, आप हमारा शो देखती रहिए, इसके बाद जब हम ब्रेक के बाद जाएंगे हमारे सेगमेंट में, और हमने जो रेनबो कलर्स हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, एक एक वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर आपको दिखाएंगे, बताएंगे कलर्स के हवाले से भी, उसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से भी, और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब हमें कुछ बना के भी दिखाएंगे, लेकिन वो भी हम लोग ब्रेक के बाद देखेंगे कि वो क्या बना के दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच तानिया फॉर कॉलिंग, थैंक यू जी। हम लोग बात कर रहे थे कॉल से पहले रहमान से अबाउट दैट, और अभी जो एक बेली फैट की भी बात करनी थी हमारी कॉलर जो थी। अच्छा, उसमें सबसे पहले ये कि अगर उनका स्टोमिक या लिवर प्रॉपर वर्क कर रहे, पहले ये देखना, सिर्फ ये नहीं देखना कि बेली फैट बढ़ गई, किस रीजन से बढ़ी, बिल्कुल, और अगर हार्मोन्स थोड़ा इश्यू आ रहा है तो प्लीज डॉक्टर से पहले परमिशन ले, या कोई मेडिकेशन चल रही है, अगर तो मेडिकेशन चल रही है तो फिर अभी एक्सरसाइज नहीं होगी, ओके, ठीक है, तो अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि एक्सरसाइज करनी है तो फिर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, और ये भी देखें कि उन्होंने ये नहीं बताया कि जंक फूड खा रही हैं, जंक फूड उनकी डाइट कैसी है, कोई साथ में कोमॉर्बिडिटीज चल रही है, और एक और मैं आपसे पूछूंगी, बड़ा मैं जगह जगह टीवी पे भी एड्स देख रही होती हूँ या सोशल मीडिया पे देख रही होती हूँ जी, एक इतना कॉमन आसान हल है ना आवाम, क्योंकि हमारी थोड़ी सी वाली जिसे कहते ना काम चोर सी है कि एक्सरसाइज ना करनी पड़े, खाना पीना ना छोड़ना पड़े, कोई ऐसी चीज मिल जाए कि बैठे बैठे हल हो जाए मसला, तो वो बेल्ट्स बड़ी देते हैं ना कि जी बेल्ट बेली पे लगा लें तो बेली फैट गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा कहीं से भी ट्रू नहीं है, नहीं नहीं कुछ भी ऐसा नहीं, देखो जब वो पिक्चर में किसी को एड पे बताते हैं स्वेटिंग होती है तो आप कितनी देर करोगे, तो वो स्किन जो है ना बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है, फ्लफी टाइप हो जाती है, बिल्कुल वो यही दिखा रहे होते हैं ना, हाँ। कि पता नहीं उसके अंदर कोई हीट निकल रही है, आपकी स्वेटिंग एक्स्ट्रा, यानी वो ये दिखाते हैं कि जो आपके फैट सेल्स हैं दे आर बर्निंग एंड दे आर गिविंग आउट द हीट एंड स्वेट। इसमें जरूर एक चीज, जब ये बात हो रही है तो जितनी भी ये बेल्ट्स आती हैं इसमें अब तो लगे होते हैं हीटिंग पैड्स लगे होते जी जी बिल्कुल। मेरे पास एक साहब आए बहुत मोटे थे, तो वो बहुत बुरी कंडीशन में आए, अच्छा मैं उनसे पूछा क्या इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने इस बेल्ट का बताया, अच्छा उसका उन्हें बहुत लॉन्ग टर्म यूज किया, okay. तो उससे क्या हुआ कि उनका बेली फैट के साथ साथ जो हमारी किडनी की जो एसेंशियल फैट होती है वो भी डिसॉल्व हो गई, और उनको किडनी के प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो प्लीज इस तरह की चीजें जो भी टीवी पे दिखाई जाती हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको जरूर इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें कंसल्ट करके करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि अभी जो ये खातून ने बताया था इनका जो प्रॉब्लम है वो पोस्ट सर्जिकल है जी, बिल्कुल यहाँ बैठ के हम पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स को टिप्स नहीं दे सकते। तो डू कंसल्ट विद योर नियरेस्ट डॉक्टर, अपने किसी भी चाहे हर्बलिस्ट हो चाहे जो भी जिससे भी आप करना चाहते हैं, लेकिन आप आमने सामने बैठ के कंसल्ट कीजिए, उसके बाद बात कीजिए।
पहली कॉलर जिन्होंने अपने गर्दन की बात की थी, हो सकता है कि उनको सिर्फ गर्दन के मसल्स का प्रॉब्लम ना हो, माइट बी दैट इज सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल का C3, C4, C5 का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ज़रूर 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 एक्सरे करवाइए, उसके बाद फिर जो भी एक्सरसाइज है, जो भी ट्रीटमेंट, जो भी, क्योंकि अगर कॉलर लगा है उनको तो कॉलर इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता है। आपकी जहाँ जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कोई ना कोई इशू आ रहा होता है। और अगर ये बेसिक जो रूट कॉज है इसको आप नहीं सॉल्व कराएंगे तो ये मसला आगे बढ़ता है, वहां स्टैटिक नहीं रहता। और खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई स्केलेटल इशू आ रहा हो ना, उसके ऊपर कभी भी मूवमेंट एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, बल्कि वहां पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज इट कॉजेज मोर एंड मोर डैमेज, क्योंकि जब बोन्स आपस में रब होती है सो उनकी एनाटॉमी और सारी चीजें खराब हो जाती है। सो वी हैव अनदर कॉलर हियर। जी अस्सलाम वालेकुम, शफकत बात कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, शफकत बात कर रहे हैं फैसलाबाद से। आई गेस कॉल ड्रॉप हो गई है, सो कोई नहीं, वी आर कमिंग बैक। सो लाइक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब ने भी यहाँ पर, जो हाईलाइट किया कि अगर आपको कोई बोनी, कोई स्केलेटल इश्यूज आ रहे हैं तो जस्ट गो, डोंट डायरेक्टली गो फॉर द एक्सरसाइजेस, उसका कॉज ठीक कीजिए। एंड सेकेंड थिंग इज जो मैंने यहाँ बात की, क्योंकि बड़ा कॉमन है बेल्ट ले लो जी, बैठे बैठे वेट लॉस हो जाए, या फिर इवन इंजेक्शन लेना शुरू कर देते हैं कि जी महीने या 10 दिन, महीना तो बहुत बड़ी चीज है, कौन इंतजार करता है, 10 दिन के अंदर जी हॉर्मोन्स ले लो, वेट लॉस होता है, लेकिन वो पता नहीं क्या डैमेज कर रहा है आपके अंदर, वो क्या फॉर्मुलेशंस होती हैं उसकी। और ये बेल्ट्स मैंने हाईलाइट करूंगी कि किसी बेल्ट से कोई बेली फैट नहीं जाती है, और इसी बारे में हम लोग बात भी करते रहेंगे, रेनबो डाइट पे भी आते हैं, रंगों के साथ आज हम खेल रहे हैं, आज हम रेनबो डाइट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी ब्रेक से पहले हमारी एक बड़ी अच्छी कॉलर थी जो कि कह रही थी कि ठीक है बातें करना इतना ज्यादा बंदा परसीव नहीं करता, जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सामने आती है। सो हमने कहा ऐसे हो सकता है कि हम खाली बातों बातों में टिर खा दें, सो आज डॉक्टर साहब हमें हमारे यहाँ पर बता रहे हैं कि वो रेनबो कलर, जो कि आपको वैसे ही मेरा काउंटर, मेरा शेल्फ इतना कलरफुल नजर आ रहा है, सारे के सारे हमारे नेचर के रंग मौजूद हैं जो कि हेल्दी अंदाज में, हेल्दी वे में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और ये सोच के समझ के करेंगे कि किसका क्या बेनिफिट है। मुझे आई कैन सी ऑल द कलर्स, अगर आप पास से देख रहे हैं कि जी रेड है, ऑरेंज है, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो टर्निप है अगर मैं इसको टर्न कर दूं, सो दैट हमने कहा कि हम इसको व्हाइट कलर में, आपने कहा था कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट में आ रहा है, और क्या व्हाइट में आ रहा है हमारा जो, देखिए हमने बनानास कहा था, बनानास भी व्हाइट में लेते हैं, अनियंस भी व्हाइट में, अनियंस भी व्हाइट में है, और ये जो हमारा ये है नाशपाती पियर, ओके, सो और पर्पल कलर इज लाइक वी हैव द बैंगन हेयर, सो ऑल द कलर्स आर देयर। पोटैटो आलू किस में आता है? आलू व्हाइट में आता है, व्हाइट में आता है, बिल्कुल आलू लाइक शायद हल्का सा पीला ले ले हम, नहीं व्हाइट में आता है, पीले में ये आते हैं हमारे गाजर, ऑरेंज, ये पपीता, पपाया ये okay. सब हमारे येलो में आ जाते, ठीक है। और डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी इसका जूस जो है ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेप फ्रूट का, यानी चकोतरा कहते हैं जी, चकोतरा, चकोतरा का जूस भी निकाल के रखा है, जो कि सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो डाइटिंग का सोचते हैं ना, वो कहते हैं जी चकोतरा ग्रेप फ्रूट के ऊपर आ जाओ तो वेट लूज होगा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, सब जानते भी हैं। और ये आपने देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने, ये दोनों सेम जूस है जी, सेम जूस, ओके, ये भी निकाल के रखे हुए। और डॉक्टर साहब ने भी क्या, मैं आपको एक ऐसी स्मूदी बता देता हूँ जिसमें सारे हमारे कलर्स भी आ जाएंगे और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको साथ साथ, सबसे आसान और बेहतरीन हल जो होता है ना स्मूदी होता है, जिस लोगों से फ्रूट्स नहीं खाए जाते, क्योंकि लोग भी हैरान होकर सोचते हैं ऐसे भी कोई बंदा हो सकता है, मेरे घर पे एक शख्स है जो फ्रूट्स नहीं खाता, सो दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप हेल्दी चीजें बजाय से कि इधर उधर के शेक्स लें जिसमें फ्लेवर्स और कलर्स और स्मेल्स डाली होती है, ओडोर्स डाली होती है, उसकी जगह ये फ्रूट्स है जो कि आप देख रहे हैं, आई गेस उस कैमरे पे नजर आ रहा होगा, डॉक्टर साहब ने एप्पल डाला है इसमें, लाल सेब, हमारा गाजर भी है इसमें, नाशपाती भी है, केला भी है, और साथ इसमें थोड़ा सा वो जिनसे ग्रीन वाला एप्पल है ये भी है, ग्रीन एप्पल भी है, अभी ये सारी चीजें इसमें जाएंगी, ठीक है जी। हम लोग अब बना रहे हैं, डॉक्टर साहब हमें बना के दिखा रहे हैं स्मूदी जो कि हेल्दी फ्रूट्स के साथ हम बना रहे हैं। अब इसमें हमने जहाँ हमारी स्मूदी बन रही है चीजें डाल दिया, इसमें हम थोड़ा सा ग्रेप फ्रूट का जूस डालेंगे, ठीक है, ठीक है, तकरीबन एक ग्रेप फ्रूट का जूस डाल दीजिए, एक ग्रेप फ्रूट का, लाइक पूरे ग्रेप फ्रूट का जूस डाल रहा है। और हमारे पास उसामा बात कर रहे हैं साथ साथ, कॉलर हम कॉल भी ले लेते हैं और साथ साथ बताते जाते हैं, ओके, हम ग्रीन कलर सारे कलर्स डाल रहे हैं, सारे कलर इसमें, सारे हमने पूरी रेनबो कलर्स जो हैं वो हमने, अच्छा आपने उसकी स्टेम समेत डाला है जी, बिल्कुल, ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, उसामा बात कर रहे हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उसामा आप, और आपको शो कैसा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और बड़े अच्छे टॉपिक पे आपने आज किया है, तो मैं काइंडली एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये टमी फैट के मुतल्लिक है कि मेरा वेट जो है ना वो अबव 80 है, ठीक है, और 27 एज है मेरी, तो ये मैं कैसे ये बेली फैट कम हो सकती है और
ओवरऑल कैसे फैट कम हो सकती है, ठीक है। हाँ, बेली फैट के बारे में भी बताते हैं डाइट के लिहाज से भी, लेकिन पहली डाइट जिसमें हमारे पास पहले भी कॉलर आई थी रहमान, आज द सेम क्वेश्चन कि बाकी चीजें तो हम बताते रहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि क्या आप फैट इनटेक, क्या आप जंक इनटेक, या फिर ये जो जंक फूड सारे बर्गर्स एंड ये सब चीजें पिज्जा वगैरह भी उतना ही खा रहे हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर उन चीजों को छोड़ें। तो उन चीजों को छोड़ने के बाद हम ये रेनबो डाइट में डॉक्टर साहब से भी और रहमान से भी आपको दोनों तरीके से भी बताएंगे कि न्यूट्रिशन क्या लेनी चाहिए आपको, ओरल चीजें में क्या लेना है, और कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी बेली फैट को कम करने में आपका हेल्प करती है। थैंक यू सो मच उसामा फॉर कॉलिंग। नाउ कमिंग बैक टू आवर स्मूदी, डॉक्टर साहब ने ऑलमोस्ट सारे कलर्स डाल रहे हैं, रेड भी डाला है, येलो भी डाला है, ग्रीन भी डाला है, ग्रीन में भी उन्होंने ये क्या ग्रीन में हमने पालक डाला है, पालक का पत्ता भी डाला है स्मूदी के साथ, और जो उसके अंदर लिक्विड चाहिए था हमें डाइल्यूट करने के लिए वो था चकोतरे का जूस डाला था। अच्छा कच्ची पालक डॉक्टर साहब? हाँ, यही बात आपको बताऊँ की जितनी भी ये चीजें हैं इसमें जितनी चीजें मैक्सिमम आप रॉ खा सकते हैं, ठीक है, आप रॉ खाइए। अच्छा ठीक है रॉ में आपको जैसा हीट जब जाती है तो उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो खराब हो जाती है, लेकिन अच्छा आई नेवर न्यू कि हम कच्ची पालक भी, कच्ची पालक और ये स्मूदीज में या इसको जो उनसे हल्का सा बहुत किसी को अगर इससे हो के बिल्कुल कच्ची नहीं खा सकते तो इसको फॉर अ मिनट ब्लांच कर लें, ठीक है, पानी में, गर्म पानी में, ठीक है, इसको एक मिनट के लिए सिर्फ ब्लांच करके उसको निकाल लीजिए, तब भी आप इसको एज ए सैलेड भी ले सकते हैं। और अब जो अब डाइट की बात हो रही है, ज्यादातर मेरे ख्याल मोटे है लोग हैं जो परेशान रहते हैं, बिल्कुल, और फैट भी सब लोगों की ना इन स्पेसिफिक कुछ पोर्शंस पे होती है जो उसी की टेंशन रहती है और वो जाती भी नहीं, वो होती भी बड़ी, बिल्कुल। उसके लिए सबसे अच्छी चीज जो उनसे ना ये है कि आप दोपहर का खाना स्किप करें और उसमें आप रॉ सैलेड खाइए, दही के साथ खाइए, एक प्याला दही का ले लीजिए, और जितनी भी ये सब्जियां हैं अच्छा। हम जितनी इसमें से मैक्सिमम रॉ खा सकते हैं, अच्छा। जैसे गाजर भी है इसमें, हम माल्टा भी ले सकते हैं इसमें, हम पालक ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, इवन कैप्सिकम जो उनसी है इसको भी हम रॉ में खा सकते हैं सैलेड में डाल के। कैप्सिकम ये ग्रीन की अगर मैं बात करूँ ना, ये ग्रीन सामने सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, ग्रीन जो उनसा है ये हमारी बोन डेंसिटी के लिए बहुत फायदेमंद, इसमें विटामिन हो रहे हैं, ना हमारी डाइट में कोई कैल्शियम ऐसा ना कुछ घुलने लग जाती है, इसमें जो सा विटामिन के बहुत ज्यादा होता है जो हमारी बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो कैप्सिकम है किसी भी कलर की हो, ठीक है, इसमें एक चीज होती है कैप्सिसिन, इसका जो सा इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा पेन किलर है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर मेरे जहन में आया है कि तो हमने ग्रीन में शुमार किया ना, तो जो हमारे पास रेड और येलो और ऑरेंज जितने कैप्सिकम के कलर्स होते हैं वो भी हम ग्रीन वाले नहीं, नहीं, वो हम उसी कलर में, उसी कलर और फिर उसी कलर का फायदा भी उसी कलर पे, उसी कलर में शामिल हो जाएगा, यानी ये वो वाहिद एक अदद लोटा है जो अपनी पार्टी बदलता रहता है फलों में सब्जियों में, स्मूदी बना ले साथ, ठीक है। ग्रीन जब सब कलर्स में आता है ना तो इट गिव्स सच अ फ्रेशनेस का एहसास देता है, फ्रेश कलर है हमारे सब कलर्स यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, रेनबो कलर्स, येलो, ग्रीन, पर्पल, व्हाइट, रेड, ऑरेंज, अच्छा अब ये जो है आपकी स्मूदी बन गई, इसमें आप अब थोड़ी सी मजीद वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें आप जो उनसे फ्लैक्स सीड्स हैं ओमेगा 3 उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है, या कोई नट्स हैं जैसे आजकल सीजन हमारा सीजन ऐसा है, तो आप इसमें थोड़े से नट्स जो उनसे वॉलनट्स या पाइन नट्स जिसको हम चिलगोजा कहते हैं वो इसमें ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। अब चिलगोजे या जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं, नट्स भी ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिंग के लिए या बीच में ब्लेंड करने के, ब्लेंड कर दीजिए तो सौगी नहीं हो जाएंगे, नहीं नहीं वो फिर उसके साथ ही क्रंची सा हो जाएंगे, और आपने फौरन ही अगर सर्व करना है फौरन ही पीना है तो वो बड़े मजेदार चीज हो जाएगी, बिल्कुल है ना, नेक्स्ट नट्स जहाँ पर आ जाए वैसे सब लोगों की चॉइस नहीं होती लेकिन बड़े अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची अलग से टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल। अब ये जो उनसे हमारी स्मूदी तैयार हो गई, अब ये आपका दोपहर का मील भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप अगर दोपहर को अपना जो भी मील ले रहे हैं उसको हाफ कर दीजिए, उसके बाद एक घंटे के बाद आप ये स्मूदी पी लीजिए, तो जो इन लोगों को मोटापे का शिकायत हो रही है कि उनका वेट बढ़ता चला जा रहा है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, प्लस ये कि आपकी बॉडी फुली डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। अब इसमें आप अगर धनिया ऐड कर दें ग्रीन का तो आपका जो उनसे लिवर है उसमें से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं, इवन हैवी मेटल्स उनसे हैं जैसे हमारी पोल्यूशन इतनी ज्यादा हुई हुई है तो उसमें जो हैवी मेटल्स आ जाते हैं, आर्सेनिक भी आ जाता है उसमें, हमारे पानी में आजकल आर्सेनिक शामिल हुआ है, लेड आ जाती है, ये सारी चीज़ें जो उनसे हैं वो आपकी बड़ी इजीली, धनिया जो उनसे है
उसको खत्म करता है, धनिया खत्म करता है। अच्छा हम लोग वरना इसको बस जैसा ग्रेप फ्रूट के आपने जूस में बनाया है, वरना यूली तो कॉन्सेप्ट है ना या योगर्ट में या मिल्क में बन रहा होता है, तो उसके साथ भी आएगा वो शेक बन जाएगा। नहीं, वो सारी सारी जो कैलोरीज एक्स्ट्रा आएंगी वो हमारे अंदर आ जाएगी इसके थ्रू। दही में ऐसा इतनी कैलोरीज नहीं है। दूसरा ये कि अगर आपने इसको और ज्यादा थोड़ा सा कम कैलोरी में करना है और आपने थोड़ा सा फैट बर्निंग की तरफ लेके जाना है, तो आप इसमें इस जूस के बजाय, क्योंकि इसमें शुगर कॉन्टेंट है, तो आप इस जूस को ऑल्टरनेट कर दें ग्रीन टी के साथ। अच्छा, लाइक ठंडी ग्रीन टी? हाँ, ठंडी बना के ठंडा कर। हाँ बिल्कुल, जैसे हम पीते हैं ना कोल्ड टीज होती है ना हमारे, तो फ्लेवर पैलेटेबल होगा, कोई इतना होगा कि उसको टेस्ट करके अच्छा टेस्ट हो। हाँ, अच्छा टेस्ट हो जाए। हम लोग देखें, ये भी स्मूदी भी ट्राई करेंगे। हेल्दी डाइट का मसला यही है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा आपको डेवलप करना है ना, मसला यही है जो हम लोग जंक वगैरह पे आ रहे हैं ना, वो टेस्ट के पीछे ना, हम लोग सारी जो, और आपको पता है कि जितनी जंक है या जितने भी हमारे प्रिजर्व फूड्स हैं उसमें इतने ज्यादा सोडियम होता है, इतना ज्यादा शुगर होता है, उसको फिर कैमोफ्लाज करने के लिए कितने फ्लेवर्स डाले जाते हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जो एक के बाद एक नुकसानदेह होता जाता है। तो इसलिए ये जो हमारी इस वक्त का आज का टॉपिक है ना, रेनबो डाइट, अगर इसके ऊपर आप लोग आ जाते हैं, जितने भी लोग, इवन हम भी, हम सबको आ जाना चाहिए, तो डेली बेसिस पे अगर हम इसमें से मैक्सिमम कलर चूज कर सकें तो हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लिवर सोरासिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम ट्यूमर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त इन सब कलर्स के साथ डॉक्टर साहब बातें बता रहे हैं कि ये थी चीजें कि अगर हम इनको अपनी डाइट में शामिल कर लें अच्छी एज में बीमारियां स्टार्ट होने से पहले, तो हम लोगों को, हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अब वो लोग जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, वो इनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे या क्या चीज कितनी यूज करनी चाहिए, हम लोग बड़ी जबरदस्त आज रेनबो डाइट के ऊपर बातें कर रहे हैं। और जहां अभी डॉक्टर साहब ने हमें इतने ढेर सारे नेचर के कलर्स में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बताई उनको किस तरह से क्या उनकी इफादियत है, कौन सी डिजीजेज हैं जो प्रिवेंट हो सकती हैं क्योंकि इसके अंदर इतनी नेचुरल इम्यून फैक्टर्स, इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन करने के लिए, कैंसर जो सेल्स होते हैं, ट्यूमर सेल्स होते हैं, उनको पहले ही सप्रेस कर देने के लिए बहुत सी चीजें मौजूद हैं, इतनी जबरदस्त बातें कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे कॉलर्स जो हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि जिस तरह जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, उनके लिए उनको ऐसी कौन सी डाइट यूज करनी चाहिए, कौन से फ्रूट्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं, कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो यूज कर सकते हैं, यानी कौन सी वेजिटेबल किस डिजीज के लिए बेनिफिशियल है या किसके लिए नुकसानदेह है, ये बातें अभी मैं रहमान से पूछती हूँ। लेकिन उससे पहले भी हमारे 2-3 कॉलर्स पूछ चुके हैं जो बेली फैट का, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा इशू है। सो बिफोर कमिंग टू द वेजिटेबल्स, मुझे उनका सोल्यूशन बता दीजिए क्योंकि वो यकीनन देख रहे होंगे। सो उसने आई थिंक 27 एज है और बेली फैट है, लेकिन उसमें सबसे पहले ये देखना है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसे बाहर के फूड्स या आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह तो होंगे, जो कि मैंने कॉल पे पहले ही उनको कह दिया था, पहले इन चीजों को बैन करेंगे तो हमारी डाइट और हमारी एक्सरसाइज आपको कोई फायदा देंगी। सेकेंडली, और उसके बाद ये देखना कि उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, स्टोमिक लिवर प्रॉपर वर्क कर रहे, क्योंकि वो अगर तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे तो वो कुछ भी खा ले कुछ भी असर नहीं होगा। ठीक है, यानी उनकी डाइजेशन अगर स्लो हो गई है तो फिर उसके लिए वो क्या करेंगे, और पहले उसको रिकवर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो उनकी डाइट में अगर कोई फर्क आ रहा है तो पहले अपनी डाइट चेंज, डाइट सबसे इम्पोर्टेंट आपकी, जो हम लोग किसी भी बीमारी हो चाहे कोई भी डाइट, कोई भी इरादा जब करते हैं ना, दो चीजें हम सबसे पहले कहते हैं, एक लाइफस्टाइल, दूसरी डाइट, ये दो चीजें आपने सबसे पहले मॉडिफाई करनी होती है। बजाय इसके लोग कहते हैं एक जादू की पुड़िया, एक गोली दे दीजिए जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स हो, जिसके अंदर वेट लूज करने की चीजें हो, वो देने सारे मसाले खत्म हो जाएंगे, वो भी तब तक एक्ट नहीं करेंगे जब तक ये दो चीजों को आप खुद अपनी विल पावर से नहीं करेंगे मॉडिफाई। अच्छा, उसको आप एंजाइमर को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? फर्स्ट, अपने सैलेड में ग्रीन सैलेड का इस्तेमाल ज्यादा करें। ठीक है। सेकेंड, एम्प्टी स्टोमिक मॉर्निंग में हाफ कप आप सौंफ का पानी पी सकते हैं। ओके, मतलब पानी के अंदर बॉयल करना है या नॉर्मल पानी में सौंफ? नॉर्मल आपको मार्केट से भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा। नहीं तो आप बना सकते हो घर पे, जो आपके इम्यून सिस्टम और एंजाइमर को स्ट्रांग करेगा, आपके स्टोमिक पे भी काफी पॉजिटिव। बच्चों वाला ग्राइप मोटर होता है सौंफ, वो सोया का होता है, दिल का। अच्छा, ये सौंफ की बात कर रहे हैं। सौंफ का जो आता है वो अर्क बादियान के नाम से आता है। अच्छा, इनका जो है हर्बल नेम जो है बादियान के नाम से। अगर तो ये सारी चीजें ओके हैं या उन्हें लगता है कि मेरा इम्यून सिस्टम ओके है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो फिर मॉर्निंग में जॉग करें। ठीक है, बिल्कुल जी। और सेकेंड, डिनर अगर कर लिया है तो 2-3 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए बेड टाइम में। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बातें, सही मेडिकल टर्म्स ये बता रहे हैं। हम लोग भी यही सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आपके बेड टाइम और आपके डिनर में एटलीस्ट 2-3 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। हम लोग तो कह रहे हैं सोते सोते भी आंख खुली, चलो एक चीज ऑर्डर करें और सोते में खा लें। और सबसे जरूरी बात जो है,
इवनिंग में राइस और चपाती का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं करें, फिर क्या खाएं? वरना लोग तो यूली कहते हैं ना कि आपका डिनर हैवी नहीं होना चाहिए लेकिन एक हेल्दी, अच्छा हेल्दी सारा दिन के बाद एक नाश्ता। अब डिपेंड ये करता है कि आपका टारगेट क्या है। ओके, अब लूज करना है तो टारगेट डिफरेंट होगा, अगर गेन करना है तो टारगेट डिफरेंट, और अगर मेंटेन करना है तो वो भी डिफरेंट होगा। तो अगर तो उन्होंने लूज करना है तो उन्होंने सैलेड का इस्तेमाल पहले कह रहे हैं, और उसके अलावा प्रोटीन डाइट आप थोड़ी सी ले सकते हो, वो भी 200 और 250 ग्राम्स, आप इससे ज्यादा नहीं लेने। ठीक है, और अगर आप राइस या चपाती का इस्तेमाल करते हो, जाहिर बात है फिर आपने सो जाना है और वो फिर बैक कार्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रू दैट, बिल्कुल, ये कि वो सारी रात में फिर आपके प्रिजर्व हो रहे होते हैं नाश्ते में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अच्छी थोड़ी डाइट लेनी चाहिए, अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए कि सारा दिन में जब आप काम करेंगे, चाहे फिजिकल है चाहे मेंटल है, तो उसमें वो कैलोरीज, वो सारी कार्ब्स बर्न हो रही होती है। रात में तो आपने सिर्फ रेस्ट करना है, आपकी बॉडी को उतनी अमाउंट नहीं चाहिए जो सारा दिन में चाहिए होती है। सो मुझे बताइए, जैसे अभी आपने एक्सरसाइज के नाम पर जॉग का कहा, तो क्या जॉग उस सर्टेन बेली फैट को रिड्यूस कर है? नहीं, ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट करेगी, लेकिन इनका फर्स्ट स्टेमिना बनेगा अगर तो ये जिम जाते हैं, तो वो तो एक अलहदा बात है कि प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर जिम नहीं जाते तो फिर इन्हें मॉर्निंग में सुबह उठे, मॉर्निंग में फर्स्ट वॉक, फिर जॉग, फिर रनिंग पे आए, तो ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्हें जो है ना एब्स के लिए या बेली फैट के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उन सर्टेन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस पर आना पड़ेगा जो एक सर्टेन मसल मास को इफेक्ट करने के लिए होती है, चाहे उसको बढ़ाने के लिए हो चाहे उसको घटाने के लिए हो। सो नाउ कमिंग बैक टू द वेजिटेबल्स, जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी हम लोग, मैंने कहा कि हम बताएंगे कि कौन से किस डिजीज में बेनिफिशियल है, कौन से नुकसानदेह, यानी कौन से कब लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, वो हम पूछते हैं रहमान। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मेरे देखने में आया है या पेजेस पे, मेरे पेज पे, इंस्टा पे लोगों के मैसेजेस आते हैं फीमेल्स के लिए, प्लीज घर में ट्रेनिंग करते कोई ऐसा मिस्टेक ना करें, क्योंकि जब ये फीमेल्स घर में ट्रेनिंग करती है तो इनके स्पाइनल कार्ड में जर्क आ जाता है। तो प्लीज ट्रेनिंग करते इस बात को फोकस करें, क्योंकि उसके में स्ट्रेस आ जाता है तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। और रही अब जो फूड्स हैं उनके बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट ये कि ल्यूकीमिया कैंसर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीजेस में जितना भी है, ऑरेंज की मैं बात करूंगा जो सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम अगर डिस्टर्ब है तो फिर आपका स्लीप डिसऑर्डर भी है, और अगर उसमें फिर आप स्ट्रेस में चले जाते हो और स्ट्रेस की वजह से जाहिर बात है आपके मसल्स असाब जो है ना प्रॉपर वर्क करना छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी डाइट में जो ऑरेंज है, जितने फ्रूट्स या वेजी हैं, आप उनको, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। और ऑरेंज के ऊपर हम डॉक्टर साहब भी जानते हैं, हमने पूरा एक शो किया था, यानी उस शो में भी इतनी बातें थी कि वो खत्म होने पे नहीं आ रही थी, एक एक चीज के इतने इतने बेनिफिट्स हैं। हम लोग तो अभी थोड़ा थोड़ा करके सबको टच कर रहे हैं, बाकी कलर्स पे रहमान से बात करती हूँ। लाइबा बात करी है हमारे साथ गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और आपको शो कैसा लग रहा है लाइबा? बहुत मजे का शो है, बहुत अच्छा आप लोग करते हैं हमारे लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच लाइबा दैट यू लाइक इट। कोई बात करना चाहेंगी, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहेंगी? वेट के बारे में बात करनी थी। मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरा लॉगिंग भी, डाइटिंग भी, सब कुछ, पर मेरा वेट कम नहीं होता। मेरी बेबी हुई है प्लेट से 6-7 मंथ पहले, तो उस वजह से मुझे मेरे हस्बैंड ने घर से निकाल दिया कि आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो आप मोटी हो गई हो और एजेड हो गई हो। ओ गॉड, दैट इज सो पैथेटिक। अच्छा लाइबा, सो आपको जनरली आपका ओवरऑल गर्थ आप कह रही हैं आपका ज्यादा है या इन सर्टेन? मेरा पेट, मेरी पीछे से और बाजू, मेरे शोल्डर, ये बहुत ज्यादा है, कम नहीं होते। ठीक है लाइबा, हम लोग उसी पे बात भी कर रहे हैं, हम अभी बात दोनों से भी बात करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ, मुझे यकीन है कि हम आपकी हेल्प कर सकेंगे, आपकी इस ये जो ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला ट्रबल है, आपकी टेंशन स्ट्रेस जो ये एक्स्ट्रा ओबीज ओवरवेट होने का है। थैंक यू लाइबा फॉर कॉलिंग, एंड मुझे बड़ा वैसे दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि दिस इज नॉट द रीजन, कभी क्योंकि ये फेमिलियल भी होता है, फैमिली में भी रन कर रहा होता है, इट कुड बी अ डिजीज। लेकिन ये तो किसी में भी आ सकते हैं कि वो भी तो हो सकते हैं, वो खुद भी तो हो सकते हैं। मतलब कैसे किसी की कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी आपका ही अपना, उन्होंने एक बेबी बर्थ के बाद से नहीं हो रहा। सो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजों में मैं क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ तो काउंसलिंग भी साथ साथ ही हो जाती है, बहुत जरूरी है। इस तरह के जो मेरे ख्याल लोग होते हैं उनको काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत होती है।
अगर इनका फिजिकल जो अपेरेंट वेट का इशू आ रहा है, वो बीमारी सामने आ रही है, तो वो कुछ और है, लेकिन जिसके यहाँ पे प्रॉब्लम है उनको ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल ज्यादा जरूरत है। और अगर इनको चाहें आप तो मेरा नंबर इनको दे दीजिए, तो इनका जो स्लिमिंग का सारा है, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि लाइबा आप जरूर डॉक्टर साहब से राबता कीजिए, आप बेशक हमें दोबारा कॉल करें और डॉक्टर साहब को आप जरूर राबता करें, डॉक्टर साहब खुद भी आई गेस वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप इनसे भी राबता कर सकते हैं, हमारे से भी राबता करके इन तक पहुंच सकती हैं, सो इंशाल्लाह हम और ये आपके जरूर काम आएंगे इंशाल्लाह। सो हम वापस कलर्स पे आ रहे थे, ऑरेंज तक हमने जिक्र किया, इधर को तो ऑरेंज कलर है। और रही बात अब ग्रीन की, ग्रीन बेसिकली एंजाइमर्स कलर्स है, और इसको तो कंफर्म अपनी डाइट में रखिए, ग्रीन को कंफर्म अपनी डाइट में रखिए। सबसे पहले सबसे हेल्दी फ्रेश का हम जिक्र करते साथ ही हमारे पास आता है ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स, है ना, जैसे फ्रेशनेस का एहसास आंखों के थ्रू हमें वहां से देखने में मिल रहा है, वो हमारे अंदर भी वैसा ही आ रहा होता है। मैंने ये देखा है कि लोगों को मालूम है लेकिन अपनी डाइट में वो चीजें इस्तेमाल नहीं करते, इस उम्मीद पे बैठे होते हैं कल कर लेंगे, कोई नहीं कहा चला। तो प्लीज एक रीजन और है, सॉरी बात काट रहा, एक रीजन और है कि हम उसमें वैरायटी नहीं दे रहे। अब जैसे अगर स्मूदी है या आप इसी को किसी अच्छे तरीके से पका के या उसको सैलेड बना के खा सकें, जो आपके पैलेटेबल जिसे कहते हैं ना, हम लोग को अच्छा लग जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि सब शुरू हो जाते हैं, खाना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये कि हमें अपने बच्चों से ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए। बिल्कुल, आजकल के बच्चे तो जितनी नेचुरल हेल्दी चीजों से दूर है ना, वो कहते हैं कहीं से जंक या ये जो बना बनाया फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है, वो ले लें, बस फ्रेश ना खाना पड़े, फ्रेश के फ्लेवर्स डाल के खा लेंगे। हमारे पास माया बात कर रही है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप डॉक्टर रुबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं और आपको शो कैसा लग रहा है माया? मुझे शो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और पहली दफा मैंने ऐसे देखा है कि एक डॉक्टर हैं और होस्ट भी हैं, तो आप जैसे होस्ट की पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ पे हमें वाकई होस्ट को वाकई पता होता है वो किस चीज के बारे में बात कर रही है, स्क्रिप्ट से पढ़ के नहीं बात कर रही होती, तो आप मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट होस्ट है। थैंक यू सो मच माया, क्या आपका हुस्न नजर है कि आपको हम इतने अच्छे लग रहे हैं और आपको सब कुछ पसंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपका कॉल करना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, मेरा अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा, और आज का जिसे कहते हैं ना, इस कॉल ने मुझे बूस्ट कर दिया है, डाइट तो डाइट, मैं बड़ी खुश हो गई इनके कॉल से जी। सो हम आ रहे थे जल्दी जल्दी अब, क्योंकि कल इसको वाइंड अप करें जल्दी जी। अब हाँ, पहली बात तो ये कहूंगा कि प्लीज अपनी लाइफ को आर्टिफिशियल कलर से निकाल के नेचुरल कलर्स में ले जाएं। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, मैंने ऐसे भी देखे कि आफ्टर 30-40 वो सेहत मांगते हैं लेकिन सेहत नहीं मिलती, नहीं मिलती सेहत, सबसे जरूरी सबसे जो चीज़ जरूरी है। बात है कि अपनी लाइफ को आर्टिफिशियल कलर से बाहर निकालें। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त कह रहे हैं। हम लोगों ने कलर्स बनाने के लिए अपनी खाने के अंदर फूड कलरिंग्स ऐड कर लिए हैं कि जी यहाँ से अगर हम शोरबा बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा रेड खूबसूरत होगा जो देखने में नजर आ रहा है, अंदर जाके पता नहीं आपकी किडनीज को यानी जितने केमिकल्स और उसमें वो कलर्स डाले होते हैं क्या वो असली फूड कलर्स भी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कलर आंखों के लिए नहीं होने चाहिए, आपके अपने अंदर के अपने ऑर्गन्स के लिए। फूड कलर्स उनसे हैं वो जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो अच्छे खासे महंगे, बिल्कुल तो मेरा तो नहीं ख्याल कि जो उनसे हमें सस्ती और आम चीजें मिल रही होती हैं इसमें वो फूड कलर ऐड कर रहे हैं, यकीनन डाइंग कलर्स यूज कर रहे हैं, डाइंग कलर्स होते हैं जो कि कहीं से उनका खाने पीने से रिलेशन नहीं है, जो कि हमारे डैमेज कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात की आज आप दोनों ने, और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव सा भी हमारी ऑडियंस को भी दी, मुझे भी दी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर टुडे, हमेशा से हमारे जिस तरह हमारे गेस्ट की वजह से हमारे रंग होते हैं और आज हमारी प्लेट पे भी बड़े रंग आए हैं जो कि हमारे अंदर भी हमारे रंगों को ठीक करके रखते हैं, सही परफेक्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। सुनाजीन इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, फायदेमंद होगी, अपनी डाइट में भी और शुरू से शामिल कीजिए, किसी बीमारी के आने के बाद मत आइए, उसका इंतजार मत कीजिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आगे लेकर चले। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ आज आपसे, इंशाल्लाह नए दिन नए गेस्ट नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।